हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद आती हैं, कैसे लड़की के साथ लड़के शादी करना चाहते हैं, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो यहां पे एक बात और बता दे रही हूँ फ्रेंड्स कि पसंद दो प्रकार की होती है। एक पसंद वो होती है कि जिसमें लड़के लड़की बिना सोचे समझे ऐसे ही एक दूसरे के साथ दोस्त बन जाते हैं और टाइम पास करते हैं, और वो लाइफ के बारे में फिर कुछ नहीं सोचते कि हम दोनों को आगे क्या करना है, क्योंकि ये टाइम पास वाली दोस्ती होती है और फ्रेंडशिप ये टाइम पास वाली होती है, और इसमें वो एक दूसरे को अपना जीवन साथी नहीं बनाते। एक दूसरे के साथ घूमेंगे, इंजॉय करेंगे, कॉलेज या स्कूल टाइम की ये फ्रेंडशिप होती है। दूसरी होती है कि जब लड़का लड़की समझदार हो जाते हैं और उन्हें लड़कियों में कुछ ऐसी खूबियां नज़र आने लगती है जिसे लड़के सोच के देखते ही सोचते हैं कि ये मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है, अगर मेरी लाइफ पार्टनर ऐसे हो तो मेरी लाइफ बन जाती है। तो मैं आज उसी फ्रेंडशिप की बात करूँगी कि लड़के कैसे लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, कैसी लड़की को पसंद करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला होता है, फर्स्ट पॉइंट है, शर्मीली टाइप की लड़की। दोस्तों, शर्मीली टाइप की लड़की का मतलब है कि जो लड़कियां हर किसी लड़के के साथ बात ना करती हों, हर किसी लड़के के साथ घूमना फिरना या उनके साथ बैठना उठना ज़्यादा पसंद ना करती हों, लड़कों से दूरियां बना के रखती हों, और अगर किसी लड़के से बात भी कर रही हैं तो अपनी नज़रें नीचे करके बात करें, तो ऐसी लड़कियां जो होती हैं तो लड़कों को बहुत पसंद आती हैं। क्योंकि कोई लड़का भी नहीं चाहेगा कि जो मेरी वाली हो तो वो किसी भी लड़के के साथ चिपक चिपक के बैठे, पास पास बैठे, फ्रेंडशिप करे और उसकी नज़रों में जरा नज़रें डाल के घूर घूर के बात करे और दूसरे लड़कों को भी देखे, तो ऐसा कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा और ना ही चाहेगा। तो लड़की को ऐसा होना चाहिए कि लड़कों से दूरियां बना के रखे और जब भी किसी लड़के से बात करे तो अपनी नज़रें नीचे करके ही बात करे और अपना नीचे सिर करके ही चले। तो ऐसी लड़की को ही लड़के अपना लाइफ पार्टनर बनाना पसंद करते हैं, जीवन साथी बनाना पसंद करते हैं। दूसरा है, ऐसी लड़कियों को लड़के पसंद करते हैं जो हर किसी लड़के को घूर घूर के देखती नहीं हो। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि किसी भी शादी या पार्टी में गई तो, या कि कहीं घूमने ही गई तो उन्हें कोई अच्छा या स्मार्ट लड़का दिख गया तो इस तरीके से वो घूरने लगती हैं कि सामने वाला लड़का शर्मा जाए लेकिन उस लड़की को शर्म नहीं आएगी। तो फिर दोस्तों, ऐसी लड़कियां भी किसी लड़के को पसंद नहीं आती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी लड़के को पसंद नहीं आती, पसंद आती हैं, लड़के उनको पसंद कर लेंगे, टाइम पास के लिए बात करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, लेकिन उन्हें अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उस लड़की की जो इमेज होती है ना उस लड़के की नज़र में गिर जाती है। लड़का यही सोचता है कि जब ये मुझे इतना घूर रही है तो शायद इसकी आदत ऐसी ही होगी, ये हर किसी लड़के को ऐसे ही देखती होगी जिस तरह से मुझे सामने से देख रही है। तो उस लड़की की जो इमेज होती है ना उस लड़के की नज़र में गिर जाती है, चाहे भले ही वो ऊपरी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ऊपरी दिखावे के लिए उस लड़के के साथ, लड़की के साथ बात कर सकता है, फ्रेंडशिप कर सकता है, दोस्ती कर सकता है, लेकिन उसे अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाएगा। तो अगर ऐसी आदत किसी लड़की में है भी तो इस आदत को आज से भी, अभी से ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ किसी भी लड़के को पसंद नहीं आती। तो तीसरा पॉइंट है, सिंपल और सादगी वाली लड़कियाँ। हर लड़के को अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, अपनी जीवन साथी बनाने के लिए वही लड़कियां पसंद आती है जो सिंपल ड्रेस में रहती हैं। मतलब सिंपल ड्रेस का मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि ड्रेस बिल्कुल सिंपल हो, सिंपल का मतलब ऐसा ड्रेस होना चाहिए जो पूरे बॉडी पार्ट को ढक के रखता हो। तो जो ऐसी लड़कियाँ जैसे सलवार सूट है, दुपट्टे में है, तो ऐसी लड़कियों को लड़के ज़्यादा पसंद करते हैं अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। कुछ लड़कियाँ शॉर्ट कपड़े में किसी शादी या पार्टी में और हैवी मेकअप में जाती हैं तो उनको क्या लगता है कि सिर्फ मुझे ही देखेंगे, तो उनको ठीक लगता है क्योंकि लड़के उन्हीं को ही देखेंगे। लेकिन जब आएगा टाइम आएगा और जो ये कि वो पॉइंट होता है शादी वाला, तो वो नहीं करेंगे,
देखेंगे ज़रूर, फ्रेंडशिप करेंगे, देखेंगे, लेकिन जहाँ बात आएगी शादी की और अपना लाइफ पार्टनर बनाने की, तो लड़के पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ऐसी लड़कियों को वो अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहेंगे। वो ऐसी लड़की को ही पसंद करेंगे जो लड़की सादगी के साथ रह होगी, जिन्होंने पूरे कपड़े, मतलब पूरे बदन को ढक के कपड़े पहने होंगे, और ज़्यादा लड़कों के बीच में घूम नहीं हो रही होगी, और अपने काम में ध्यान दे रही होगी। ऐसी लड़की को ही लड़के पसंद करेंगे, और मेकअप लाइट मेकअप में होगी, ज़्यादा मेकअप भी नहीं की होगी, तो ऐसी लड़की को ही जो अपनी नेचुरल ब्यूटी में हो। तो ऐसी सिंपल लड़कियां लड़कों को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए पसंद आ जाती हैं। तो फोर्थ पॉइंट है, ऐसी लड़की जो सबकी इज्जत करती हो, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है फ्रेंड, और मेन पॉइंट है। लड़कों को ऐसी लड़कियां भी बहुत जल्दी पसंद आती हैं जो अपने से बड़ों के और अपने से छोटे बच्चों की, हम उम्र की, सबकी इज्जत करती हूँ और उनके साथ प्यार से बात करती हूँ। तो ऐसी भी लड़कियाँ जो होती हैं ना, लड़कों को बहुत पसंद आ जाती हैं, उन्हें देखते ही लड़के अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, जीवन साथी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर लड़का यही चाहता है कि जिससे भी मेरी शादी हो, जो मेरी पत्नी बने, तो वो मेरे घर का ध्यान रखे, मेरे माता पिता और घर वालों की इज्जत करे, उनसे प्यार से बात करे, मान सम्मान से बात करे, और मेरे बच्चों को अच्छे से केयर करे, बच्चों को अच्छे से संभाले, मेरे दोस्तों की इज्जत करे, उनके साथ भी अच्छे से बात करे। तो ऐसी लड़कियां भी लड़कों को बहुत पसंद आती हैं। और फिफ्थ पॉइंट है, खुश रहने वाली लड़कियां। दोस्तों, जो लड़की खुद खुश रहेगी तभी तो दूसरों को खुश रख पाएगी, सामने वालों को खुश रख पाएगी। तो कुछ लड़की ऐसी भी होती हैं जो हमेशा सैड या सा, मतलब गुस्से वाला फेस बना के रखती हैं, पता नहीं चलता कि इसको हुआ क्या है, सामने वाला बंदा बात भी करना चाहे तो उसे डर लगेगा कि पता नहीं ये बात करेगी या डांट देगी। तो इस टाइप की लड़की लड़कों को पसंद नहीं आती। यदि आपका नेचर ऐसा है भी तो बदल दो, अभी खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि लड़के यही सोचते हैं कि जब इसका ऐसा फेस रहेगा, हमेशा गुस्से वाली सैड फेस वाली लड़की रहेगी, तो ये मेरे घर पे भी ऐसे ही रहेगी, किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करेगी और सबके साथ गुस्सा करेगी। तो आप इस नेचर को अभी बदल दो और खुश रहना सीखो। आप अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहन के साथ खुश रहो, उनको भी खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि कल आपको दूसरे के घर जाना है, वहाँ भी आपसे लोग यही चाहेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि आप खुश रहो और परिवार वालों को खुश रखो, क्योंकि लड़के भी यही चाहते हैं कि खुश रहने वाली लड़कियां मिलेगी तो उनकी भी लाइफ में खुशियां ही आएंगी। तो ऐसे ही लड़कियां लड़कों को पसंद आती हैं जो हमेशा की खुश रखती हैं, खुश रहती हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पॉइंट जो है, अगर कोई लड़की देख रही है तो उनमें अगर ये कोई कमी है भी, तो वो कमी अब भी छोड़ दो यार, क्योंकि आपको दूसरे के घर जाना है, और हो सके तो जितनी अच्छी बातें अपनाएंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपकी लाइफ भी ईजी हो जाएगी और खुश रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय गुरुदेव।